सबको हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। आप सब मस्त होंगे घर पे, और घर पर ही होंगे यार, क्योंकि ऑब्वियसली यार अब बाहर बाहर तो जाने वाले नहीं, क्योंकि आप भी मेरी तरह एक आलसी इंसान हो, क्योंकि मैं भी आलसी हूँ। तो मैंने सोचा कि हम बनाएंगे बनाना शेक, और मैं कर रही थी यहाँ पर ये, क्योंकि बनाना शेक तो मुझसे बनने वाला नहीं है, क्योंकि मैं हूँ एकदम स्लॉथ की भाई बहन, एकदम परनानी पर दादा हूँ मैं, समझ लो आप। तो हमने सोचा कि यार जल्दी से बनाते बनाना शेक। बनाना शेक तो नहीं बनाऊंगी मैं। हमने बनाना कट करा, तो उसमें चीनी शक्कर और दूध वगैरह मिलाया और खा लिया, लेजिट मैंने खा लिया। एंड आफ्टर दिस व्हाट हैपेंड विथ मी इज द पूरा टाइटल थंबनेल में तो देखा ही है आपने कि कितनी गंदी हालत हो रखी है मेरी ऑलरेडी, तो क्या ही बताया अब। तो ये खाया मैंने, और मेरी ऑलरेडी तबीयत खराब हो रखी थी, बट स्टिल मैंने ये खाया। और फ्राइडे के दिन मैं को स्कूल नहीं जाना चाहिए था, पर भी मैं स्कूल गई, और इसके बाद तो भाई पूरी वाट लगी मेरी, बट ठीक है हमने खा लिया। अभी खाना था यार, दिल कर रहा था मेरा खाने का, तो मैंने खा लिया, क्योंकि घर में मुझे इसी वजह से गालियाँ पड़ी कि तूने तबीयत खराब और तूने बनाना कैसे खाया और दूध कैसे पिया, कि दूध नहीं पीता ऐसा कहते हैं यार, पता नहीं। उसके बाद हमने ये एलोवेरा लिया, क्योंकि यार जो पता है ना पैर पे वगैरह जो होते हैं ना छाले पड़ जाते हैं, तो उस टाइम भी बहुत हेल्प करता है। तो इसके लिए हमने पैर ये होते हैं ना ड्राई वगैरह, तो वहाँ पे लगाने के लिए हमने लिया था। एंड यहाँ पे सब मैंने काम वाम कुछ नहीं करा, बस ऐसे ही क्लिप के लिए मैं भगी आई। और ये स्किन केयर भी ऑब्वियसली मैंने हर रोज़, ये नहीं होता है मेरा, हर रोज़ नहीं करती मैं, मैंने ये आज करा, क्योंकि आज हमको करना था क्लिप्स, मतलब मैं बना रही थी व्लॉग, तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना यार व्लॉग में। ऐसे ही मैं थोड़ी ना मतलब छपरियों की तरह व्लॉग बनाऊंगी, कुछ भी नहीं ना यार, तो कुछ दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए हमने सोचा चलो स्किन केयर करते हैं। बाय द वे चद्दर जो है साइड पे पड़ा, प्लीज़ इग्नोर इट। और हमने पहले लगाया ये मॉइस्चराइजर, और बाय द वे इवनिंग का समय था, पर पता नहीं मैंने क्यों सनस्क्रीन उठाया और सनस्क्रीन लगा दिया। अब आई डोंट नो इवनिंग में मैंने मेरे को क्या हो रखा था, आई डिड इट, बट आई डिड इट, सो इट इज़ ऑल राइट। देन फाइनली हम चले हो जाते हैं हमारे पार्ट टाइम जॉब के लिए स्विगी। मैं स्विगी में पढ़ाई करती हूँ। नहीं यार ये सिर्फ शर्ट है जो मैं पहन के रखती हूँ ऐसे ही, क्योंकि मेरे पास है ऐसे ऐसे वाले, तो इसके लिए, क्योंकि मेरी उतनी औकात नहीं कि मैं नया शर्ट खरीदूँ, ठीक है। तो इसके लिए जल्दी से हमने सोचा कि यार कुछ पढ़ा वढ़ा लेते हैं, क्योंकि यार पढ़ ली तो नहीं थी मैं, पढ़ तो नहीं रही थी, मेरे एग्जाम से इस जुलाई के एंड वीक में, पर पढ़ेंगे नहीं हम फेयरबुक कमिट करेंगे यार, क्योंकि ऐसे ना इंटरनल मार्क्स आते हैं फेयरबुक के लिए ही है। और हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, प्लीज़ हैंड राइटिंग बिल्कुल मत देखना, मैं सिर्फ दिखा रही हूँ कितना इतना लिखा है, सो वो सिर्फ वो देख लेना। और फिर हमारी यार एकदम मजदूरी करने लगी मैं, क्योंकि यार मुझे कॉल आता है कि आपको भी जल्दी से कपड़े सूख गए, आप कपड़े सुखाने, तो वॉशिंग मशीन ऐसे ना घंटी बजाना शुरू हो जाता है मेरा, तो इसके लिए मैं जल्दी से कपड़े सुखाए। वैसे मेरी तबीयत ख़राब हो रखी थी, बट ऑल्सो आई डिसाइडेड टू डू दिस, क्योंकि यू नो वो एक और होता है पता है, जो तबीयत ख़राब वाला उसे बाहर आना था, और जिसके बाहर आने के कारण मैं एकदम और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया। सो प्लीज़ डोंट डू दिस मिस्टेक, भाई इंग्लिश आती नहीं है, क्यों बकती यार मैं यार, ठीक है। तो फाइनली सब काम हो रखा था, तो हमने सोचा कि यार जल्दी से ना हमारी जो फेयरबुक होती है तो वहाँ पे हम लाइन डालेंगे, क्योंकि हमारे जो प्रिंसिपल आए पता नए, हमारे नए प्रिंसिपल आ रखे सर है, और उनका ये है ना कि जो ना लाइन फेयरबुक में से ऐसे लाइन चाहिए पता नहीं क्यों, बट उन्होंने कहा है तो करना तो पड़ेगा यार, तो जल्दी जल्दी से करा। और आई गॉट अ गिफ्ट, क्या बताऊँ मैं इसको खा के, और शायद तबीयत ख़राब तो नहीं हो यार, दिस इज़ माई कम्फर्ट फूड यार। तो हमने खाया मिसल पाव। मिसल पाव इज़ समथिंग आई लव टू ईट एवरी डे, नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग, हर टाइम खा लेती हूँ यार। अगर आप देखो कहीं से भी हो ना, मुझे बस मिसल पाव खिला दो, बस कहीं से भी आपको देखो मेरी वीडियो जैसे, बट हाँ बस मिसल पाव इज समथिंग विच आई लव टू ईट, तो मैं वही खाती रहती हूँ दिन भर। दिन भर तो कोई नहीं खाता यार, दिन भर नहीं खाती हूँ, बट हाँ मैं मिसल पाव खाती हूँ। मिसल पाव इज माई कम्फर्ट फूड, क्या ही बताऊँ। वैसे आई वॉज ईटिंग दिस, और प्लीज़ यार आग मत लगाना मेरे को, मेरी ऑलरेडी तबीयत खराब हो रखी है वरना देखना। तो मैंने मिसल पाव वगैरह खाया, और मैंने एक मूवी देखी जो मैं भूल चुकी हूँ कौन सी मूवी है, क्योंकि यार मेरे से व्लॉग पहले से ठीक से बनता नहीं है। फिर हमने खाया ये डार्क फैंटेसी, मैंने डार्क फैंटेसी मंगाई, डार्क फैंटेसी वाली बिस्किट आ गई यार, पता नहीं कैसी सी, तो हमने खाया वो भी। फिर हमने मुरमुरे भी खा लिया, क्योंकि मेरे को भूखी लगती है, मैं हमेशा भूखी रहती हूँ, समझ जाओ आप, बस भूखी मतलब बस भुक्कड़ी हूँ मैं, समझ लो। तो उसके बाद हमने सोचा कि जल्दी से पढ़ाई करते, पढ़ाई तो सिर्फ बहाना है, मुझे सिर्फ मुरमुरे खाने का जो होता है ना वो शूट करना है, तो इसलिए धीरे से प्लेट लाया और खाना स्टार्ट। तो बाय द वे मैंने सब खाया, मैंने क्या क्या नहीं करा इस जो चार दो चार दिन में, बट स्टिल व्हाट हैपेंड विद मी इज वेरी इंग्लिश नहीं आती, पर हम ट्राई तो जरूर करेंगे, अनएक्सपेक्टेड गाइस, ठीक है, कोई जज नहीं करेगा मेरे को, ठीक है, बस कुछ अनएक्सपेक्टेड हो ही गया। दिस इज द फोर्थ डे ऑफ मी फॉलिंग सिक, आई कैन से बिकॉज़ टुडे आई वेंट टू स्कूल एंड टुडे अगेन आई फॉल, मतलब मैं वापस से बीमार हो गई, तो इसके लिए दिख दर्द हो रहा है भाई। तो ये जो है ये है मेरा ब्लड चेकअप करने दिया है, सो लेट्स सी कि रिपोर्ट में क्या आता है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ऐसे करिए जैसे कि मैं जंग खेलने जा रही हूँ।
वही कल शाम को 7:30 समथिंग आई गेव माय ब्लड रिपोर्ट, और 9:00 हमने रिपोर्ट लिया, हम डॉक्टर के पास गए, हमने दिखाया और वी गॉट द गुड न्यूज़ कि मुझे टाइफाइड हुआ है पता नहीं. सो आई वॉज हैप्पी कि टाइफाइड, हाँ इट इज़ नॉट समथिंग एल्स, बिकॉज इन माई सिटी डेंगू बहुत जल्दी से फैल रहा है. डेंगू इज लाइक मॉस्किटो बाइट. सो वैन इट वॉज लाइक हाँ डेंगू नेगेटिव आया तो मैं तो वही खुश थी एकदम, बट टाइफाइड इज नॉट, मतलब ठीक है थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा बट ठीक है. सुनो तो मैं कह रही थी दैट टाइफाइड इज़ वेरी बेसिक एंड कॉमन, ये मुझे हर दूसरे दिन होता रहता है क्योंकि यार मैं इतनी गंदी इम्यूनिटी है मेरी, वेरी बैड इम्यूनिटी, बिकॉज पहली बात तो आई डोंट ईट नॉन वेज एंड ऑल, तो कहते हैं मेरे घर वाले कहते हैं कि नॉन वेज खाना चाहिए, बट आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, तो मुझे पता नहीं है मैं क्या तो कर रही हूँ यहाँ पे पागलों की तरह, बट हाँ तो ये मेरी नानी लगी है क्योंकि यार ये जो ना ऐसे बल्ब बनाने के लिए स्कूल जाना है मुझे 2 वीक्स के बाद, बट उसने ला लिया यार अब क्योंकि मैंने बोला था जल्दी से लाने को, बिकॉज वहाँ तक चल के कौन जाएगा पता ही है हम तो आई स्लॉट, बट ठीक है. सो बस मैं वही टैबलेट दे रही थी, देख रही थी क्योंकि जो मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट करा है कि जल्दी से खा के तंदुरुस्त हो जाओ. या आई वुड लाइक टू एंड दिस व्लॉग हियर क्योंकि आई भी मुझे लगा कि यार देखो मैं ये व्लॉग और ज़्यादा बना सकती थी, बट आई फील यू नो समवो जस्ट सिटिंग इन द होम और मैं सिख व्लॉग बना रही हूँ तो ये थोड़ा नेगेटिव वाला वाइब्स मुझे लगा और आपको देख के और आपको नेगेटिव लग सकता है, तो सोचा कि यार चलो बस है मेरी सिख व्लॉग्स की सीरीज़ यहाँ पर ख़त्म होती है, शायद मैं आगे ना बनाऊँ क्योंकि यार मुझे एडिट करते टाइम थोड़ा सा उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा, तो आगे आने वाली वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग सी बनाएंगे यार एकदम. अभी मैं ठीक हो जाऊंगी ऑलमोस्ट आई होप सो, लाइक हाँ लेट्स होप, तो उसके बाद मस्त मस्त वीडियोस बनाएंगे, मस्त वाले ब्लॉग्स बनाएंगे, मस्त मस्त वाले यू नो एकदम आग लगा देंगे. वाओ मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती है, सो आई एम सो सॉरी, बट या इफ यू गाइस हैव वॉच्ड इट टिल हियर देन मेक श्योर लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड दिल से मतलब क्या है दिल से, लीवर से भी, किडनी से भी और मेरे कलेजे के टुकड़े से भी. थैंक यू सो मच, बस इतना कहना था आप सबसे.